अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम इंडस्ट्रियल रूफ्स की वाटर प्रूफिंग का जो है वो सिस्टम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जब हमारे इंडस्ट्रियल रूफ स्लैब्स की पोरिंग हो रही होती है, वहाँ पर हम सजेस्ट करते हैं कि वाटर गार्ड क्रिस्टा एडमिक्स 103 जो है कॉन्क्रीट में मिक्स कर लिया जाए। लेकिन इसकी जो एडिशन है वो हसबे ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ज़ाहिर है जो इंडस्ट्रियल जब कॉन्क्रीट पोर हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल पर पोर हो रही होती है, तो ज़ाहिर है एक्सपेंसिव केमिकल्स जो है इस पर लोग ऐड करने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मैसिव होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे पानी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम बिल्कुल सजेस्ट करते हैं कि वाटर गार्ड क्रिस्टा एडमिक्स 103, जो कि एक इंटेग्रल वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर है, जो कि क्रिस्टलाइन मैकेनिज्म के ज़रिए कंक्रीट की वाटर परमिएबिलिटी को जो है वो रिड्यूस करता है, यानी कि कॉन्क्रीट के पानी जस्प करने की सलाहियत को ये कम से कम करता है। तो सबसे पहले स्टेप में आरसीसी स्लैब के ऊपर वाटर गार्ड क्रिस्टा एडमिक्स 103 अप्लाई कर लेना चाहिए। उसके बाद यूजुअली इंडस्ट्रियल स्पेसेस में ऐसा होता है कि जितने भी हमारे कॉन्ड्यूट्स और पाइप्स होते हैं वो स्लैब से एलिवेटेड होते हैं, यानी कि स्लैब्स के साथ जुड़े हुए नहीं होते। लेकिन अगर इन केस अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमारे पास ये कॉन्ड्यूट्स जो हैं वो जुड़े हुए हों, तो सबसे पहले तो कॉन्ड्यूट्स के ऊपर जो है सीमेंट सैंड और SBR सिलमिक्स, यानी कि सीमेंट रेती के 1:4 का रेशो और उसके साथ रेसी SBR 5850 और सिलमिक्स मिला के इसका पूरा मोटर बना के जितने भी हमारे इस तरह के कॉन्ड्यूट्स और पाइप्स हैं उनको कवर कर लिया जाए, ठीक है। और जितने भी हमारे RCC स्लैब और पैरापेट वॉल के दरमियान जो हमारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं, वहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं कि चैम्फर बना लिए जाए। और उसके साथ साथ अगर हमें कोई स्क्रीड या इस तरह से कोई चीज़ करनी है, तो उस स्क्रीड को भी जो स्लोप में ले लिया जाए मुख्तलिफ जगहों पे जो हमारे परनाले और ड्रेन पॉइंट्स की तरफ जाते हों। तो ये तो हमारी तैयारी हो गई एक फ्लैट रूफ की। इसी तरह से डोम रूफ के ऊपर भी हम सजेस्ट करते हैं कि भाई जो हमने कंक्रीट के ऊपर अगर कोई कवरिंग या कोई किसी मोटर से कवरिंग करनी हो, तो उस मोटर के अंदर भी सिलमिक्स और ऐसी SBR 5850 का ऐड कर दिया जाए। और जब हमारे पास एक दफ़ा प्रॉपर की प्रॉपर पूरी की पूरी सरफेस रेडी हो गई हो, तो उसके ऊपर एक हमारा प्रोडक्ट है जो हम सजेस्ट करते हैं एक्सपोज छोड़ा जाए, वो है वाटर गार्ड 3020N। वाटर गार्ड 3020N इज़ अ सिंगल कंपोनेंट हाईली फ्लेक्सिबल इलास्टोमेरिक कोटिंग। इसके वही जैसे हम नॉर्मल अपनी ट्रेडिशनल कोटिंग्स के 2 कोट्स लगाते हैं जिसमें पहला कोट लेफ्ट एंड राइट और दूसरा कोट टॉप टू बॉटम हो, सेम इस सिचुएशन में भी रूफ के ऊपर ये कोटिंग करके इसको एक्सपोज छोड़ दिया जाएगा। सो वाटर गार्ड 3020N इज़ अ सिंगल कंपोनेंट हाईली फ्लेक्सिबल रूफ वाटर प्रूफ कोटिंग। अच्छा, अब हमारे पास ये वाटर गार्ड 3020N मुख्तलिफ कलर्स में भी अवेलेबल है, तो अगर आपने वाटर प्रूफिंग मुख्तलिफ रंगों में करानी है या छत को एक पर्टिकुलर कलर देना है, तो वो भी इस कोटिंग के ज़रिए जो है वो पॉसिबल है। नॉर्मली बड़े एरियाज़ में फ्लड टेस्ट करना जो है वो ज़्यादा वायबल नहीं रहता, लेकिन इन सम सिचुएशंस जहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल और सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं कि फ्लड टेस्ट पहले से ले लिया जाए, जस्ट टू मेक श्योर दैट द कोटिंग जो कि हमने की है वो प्रॉपरली अप्लाई की गई हो और उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक चल रही हो। वाटर गार्ड 3020N लगाने के डिपेंडिंग अपॉन द वेदर 3 से 7 दिन के दरमियान जो है फ्लड टेस्ट किया जा सकता है। साइट पर हम कोटिंग को टच कर ले ताकि मेक श्योर करें कि कोटिंग हमारी बोन ड्राई है, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर फ्लड टेस्ट कर लेते हैं। सो जस्ट टू रिकैप, इन केस इफ एन इंटेग्रल वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल रूफ्स, वी कैन ऐड वाटर गार्ड क्रिस्टा एडमिक्स 103। अगर कॉन्ड्यूट पाइप्स आते हैं तो इसके ऊपर सीमेंट सैंड के मोटर के साथ रेसी SBR 5850 मिलाया जा सकता है। फ्लोर स्क्रीड के अंदर रेसी SBR 5850 और सिलमिक्स मिलाया जाए। उसके ऊपर जो फाइनल हमारी फिनिशिंग होगी वो वाटर गार्ड 3020N की हम रेकमेंड करते हैं। ऑफकोर्स देर नीड्स टू बी चैम्फर्स मेड बिटवीन द स्लैब एंड द पैरापेट वॉल्स, उस पर गोले बना के, और ये जो भी हमारा जो स्क्रीड होगी वो एक स्लोप में होगी जो किसी परनाले या ड्रेन पॉइंट की तरफ जा रहे हों। तो ये बेसिकली 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनको मिला के एक इजी टू मेंटेन और इफेक्टिव सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, जिसमें हमारा वाटर गार्ड 3020N, सिलमिक्स,
वाटर गार्ड क्रिस्टा एडमिक्स 103 और एसी एसबीआर 5850 शामिल है। अब वाटर गार्ड 3020N की खास बात क्या है कि नॉर्मली जो कन्वेंशनल हम बिचुमिन या बुकरम की या इस तरह की कोई वाटर प्रूफिंग करते हैं, वाटर गार्ड 3020N इज अ सिंपल ब्रश अप्लाइड कोटिंग जो कि एक अच्छी थिकनेस अपने ऊपर क्रिएट कर लेता है। अगर वक्त के साथ चल फिर या एब्रेशन के साथ अगर कोटिंग कभी डैमेज होती भी है तो सिंपली चूंकि ये एक पेंट की तरह ब्रश अप्लाइड कोटिंग है तो डैमेज्ड एरिया के ऊपर हम ब्रश से जो है इसकी बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो जो भी इंडस्ट्री जो लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं या जो भी उस स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं उसके उन लोगों के लिए इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेनेंस फ्री बनाना या मेंटेन करना इंतहाई आसान हो जाता है क्योंकि जो प्रोडक्ट जो हम सजेस्ट करें वो इंतहाई ईजी टू अप्लाई है। सो दैट वॉज इट फ्रॉम अस टुडे। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बिलखसूस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक, हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बिलखसूस यूट्यूब पे वो बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।